पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। चीन ताइवान के बीच गंभीर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर पूरी ताकत से परमाणु युद्ध हो जाए तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अगर इसके बाद भी कुछ लोग बच जाएं, तो हो सकता है कि वो अगले कुछ दिनों में अकाल से मारे जाएंगे, क्योंकि ना खाना बचेगा ना पीने लायक पानी। खेतों से फसलें, गोदामों से खाद्यान्न, पेड़ पौधे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। पीने योग्य पानी के सभी स्रोत रेडिएशन से भर जाएंगे, जिसे पीने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। ये स्टडी हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। परमाणु युद्ध के बाद क्या धरती से इंसान विलुप्त हो जाएंगे? अगर बात भारत और पाकिस्तान की करें तो दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। इनके बीच अगर युद्ध होता है तो दुनिया पर कितना असर पड़ेगा? अब ये युद्ध सिर्फ इन्हीं दोनों देशों तक सीमित तो नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में फैल सकता है। अंजाम भयानक होंगे। स्थिति इतनी भयावह होगी कि जिन देशों में परमाणु युद्ध नहीं भी हुआ वहां भी लोग सुरक्षित नहीं बचेंगे, ना ही उनका पर्यावरण। ये भयावह सपना नहीं, एक आंकलन है। अमेरिका और सोवियत संघ के देशों ने इतने ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए दोनों देशों ने किसी तरह से थोड़ा नियंत्रण बना रखा है, लेकिन किसी भी देश ने पहल की तो अंजाम बेहद बुरा होगा। यहीं से इंसानी सभ्यता का खात्मा शुरू हो जाएगा। इंसान धरती से विलुप्त हो जाएंगे। धरती पर वैसा नजारा होगा जैसा डायनासोरों के समय था। मंगल और शुक्र ग्रह की स्टडी से पता चला है कि धरती पर रहने योग्य माहौल कितना ज्यादा संवेदनशील है। परमाणु युद्ध के बाद धरती पर परमाणु सर्दी फैल जाएगी। ये नजारा ठीक वैसा होगा जैसा एस्ट्रॉइड की टक्कर के बाद डायनासोरों के खात्मे के बाद हुआ था। 90 के दशक में दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या कम करने में जुट गए, आपस में समझौता किया था। हो सकता है कि परमाणु युद्ध के बाद इंसानों की पूरी आबादी खत्म ना हो, क्योंकि कुछ देशों में तो लोग सुरक्षित बच सकते हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी हो सकती है। 40 साल तक परमाणु सर्दी फैली रहेगी, सूरज दिखेगा तक नहीं। परमाणु युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जो परमाणु सर्दी फैलेगी वो कम से कम 40 साल तक रहेगी, क्योंकि युद्ध में हुए विस्फोटकों से निकली राख धूल ऊपरी वायुमंडल में जाकर अंधेरा बना देगी। सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आएगी। धरती पर लगी आग की वजह से निकला धुआं चारों तरफ फैल जाएगा। फसलें खत्म हो जाएंगी, खाना मिलेगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि मछली खाकर जिंदा रह लेंगे, क्योंकि इस युद्ध से समुद्री जीवों पर भी भयानक असर पड़ेगा। मछली खोजना भी मुश्किल होगा। भारत के पास मौजूद है कई ऐसी मिसाइलें जो परमाणु हथियारों से लैस हो सकती हैं। भारत पाकिस्तान कम से कम 100 एटमी हथियार दागेंगे। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि अगर अमेरिका और रूस आपस में परमाणु युद्ध कर लें तो वर्तमान हथियारों के अनुसार 15 करोड़ टन राख वायुमंडल में जाएगा। इससे हर देश में घने काले बादल छा जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश इस आपदा से बच सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का अंजाम क्या होगा। दोनों के पास अमेरिका और रूस जितने हजारों की संख्या में परमाणु हथियार नहीं हैं, सीमित हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दोनों कम से कम 100 परमाणु हथियारों का उपयोग तो करेंगे ही। इससे करीब औसत 15 किलो टन की ऊर्जा हर हथियार निकालेगा। तत्काल मरेंगे 3.25 करोड़ लोग, बाकी भूख से मर जाएंगे। भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से निकलने वाली ऊर्जा से तत्काल करीब 3.25 करोड़ लोग मारे जाएंगे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से आधे। इन दोनों देशों के युद्ध से करीब 5 मेगाटन राख निकलेगी। वैश्विक कैलोरी उत्पादन में 7% की कमी आएगी। इसके अलावा अगले 2 वर्षों में खाने की कमी की वजह से 25.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। कितनी भी कोशिश करने का कोई प्रयास करे, लेकिन दोनों देशों के युद्ध से करीब 200 करोड़ लोग मारे जाएंगे। कुछ युद्ध के सीधे असर से और कुछ लोग उसके बाद पड़ने वाले अकाल से। ये स्टडी रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन रोबोक ने की है।